हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद ईज। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ सुपर सॉफ्ट एंड फ्लफी हॉट मिल्क समेलिना केक की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे बिना एग, बिना इलेक्ट्रिक ओवन और माइक्रोवेव के सिंपल सी किचन की गैस के ऊपर। और हम इस रेसिपी को बनाएंगे किचन के सिंपल से 4 से 5 इन्ग्रीडियंट्स के साथ, वो भी बहुत ही कम एफर्ट्स में। तो अगर आपको भी ये रेसिपी पूरी जाननी हो तो मेरा इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 कप मैदा और उसको छलनी से अच्छे से छान लेंगे। मैदे को अच्छे से छान लेने के बाद फिर इसमें डालें 1/4 छोटी चम्मच नमक और 1/4 कप मिल्क पाउडर। फिर इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक तरफ रख दें। उसके बाद एक मिक्सर ग्राइंडर के पॉट में डालें 1 कप मोटी वाली सूजी। यहाँ पे मैंने मोटी वाली सूजी का यूज़ किया है, इसीलिए मुझे इसे ब्लेंड करना है। अगर आप फाइन सूजी का यूज़ करेंगे तो आपको इसे पीसने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद इसमें डालें 1 कप शक्कर, 3 हरी इलायची, फिर इस सूजी और शक्कर के मिक्सचर को आप अच्छे से ब्लेंड कर लें और एक फाइन पाउडर में इसे पीस लें। उसके बाद जो हमने सूजी और शक्कर का पाउडर बनाया है उसको हम सेम बोल में डालेंगे जिसमें हमने मैदे को छान कर रखा था। फिर एक विस्कर की हेल्प से या फिर स्पून की हेल्प से आप इस मिक्सचर को अच्छे से मिला लें। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप उबला हुआ दूध। यहाँ पर पहले मैंने 1 कप डाला है, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद फिर मैं इसमें 1/2 कप और डालूंगी। और आपको एक बात का ध्यान और रखना है, हमें इसमें उबला हुआ दूध ही डालना है, ठंडा दूध नहीं डालना है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें 1/2 कप उबला हुआ दूध और डाल रही हूँ और इसे अच्छे से वापस से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है, बट आपको लग रहा होगा ये मिक्सचर काफ़ी पतला है, बट हमें ये मिक्सचर बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। उसके बाद इसमें डालें 1 छोटी चम्मच आलमंड एसेंस। अगर आपके पास बादाम का एसेंस नहीं है तो उसकी जगह आप डाल सकते हैं 1 छोटी चम्मच रोज़ वाटर या फिर वनीला एसेंस। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें डालें 1/2 कप तेल। यहाँ पर हम बिना कोई फ्लेवर वाला तेल यूज़ करेंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तेल हमें यूज़ नहीं करना। उसके बाद इसमें डालें 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं हमारा केक का बैटर बनकर तैयार है। अब हमें इस बैटर को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखना है, क्योंकि इसमें सूजी डली है और सूजी थोड़ी सी फूलती है। फूलने के बाद केक के बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट बन जाएगी। अब चलिए हम केक के टिन को भी ग्रीस कर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए इसमें डालें 1 छोटी चम्मच तेल और इसे चारों तरफ ब्रश की हेल्प से अच्छे से लगा लें। फिर इसमें बटर पेपर लगा लें। यहाँ पे मैंने सिर्फ नीचे की तरफ बटर पेपर को लगाया है और वापस से ब्रश की हेल्प से तेल अच्छे से लगा लें। 15 मिनट हो चुके हैं और जो हमने केक का बैटर बनाकर तैयार किया था, अब हम उसे केक टिन में पोर कर लेंगे। बैटर को केक टिन में पोर कर लेने के बाद अब हम इसे गैस के ऊपर पकाएंगे। उसके लिए हमें लेना है एक बड़ा बर्तन जिसमें आपका केक टिन अच्छे से फिट हो जाए। फिर उसे अच्छे से गर्म कर लें। जब बर्तन अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही हम इसके अंदर केक टिन को रखेंगे। अगर आपका बर्तन ठंडा है तब हमें केक टिन को नहीं रखना। उसके बाद एक ढक्कन से इसे कवर कर लें और अब हम इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर करीबन 50 से 55 मिनट के लिए। और आपको एक बात का ध्यान और रखना है, अगर आपके ढक्कन में कोई छेद हो तो उसे पहले कवर कर लें किसी लकड़ी से या फिर कपड़े से। केक को भी 50 मिनट हो चुके हैं पकते पकते और आप देख सकते हैं ये अच्छे से कुक हो गया है और लकड़ी में भी इसका बैटर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। अब आप इस केक को थोड़ा सा ठंडा कर लें। उसके बाद एक चाकू को इसके साइड्स में घुमा लें जिससे कि ये आसानी से केक टिन से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं केक का कलर कितना बढ़िया आया है और ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। ये रेसिपी एक नो फेल रेसिपी है। अगर आप सेम मेजरमेंट्स के साथ बिल्कुल इस वीडियो में बताए अनुसार इस केक को बनाते हैं, फिर चाहे आप इसे गैस पर या फिर ओवन में बनाते हैं, आपका हर बार केक इतना ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और टेस्टी बनेगा। तो आप भी इस सिंपल से रवा केक की रेसिपी को घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। और इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो या फिर ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।